वैसे तो ये मैं बरसात में ही बनाती हूँ और एक डेढ़ महीने के लिए मैं अच्छे से इसको स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अक्सर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन सबसे परेशान होती मैं इस तरीके को यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि आप डेली बेसिस पे भी आप इसको बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं बनाने जा रही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला। इसके लिए लेना है एक बर्तन, ऐसा बर्तन लेना है जो कि आप इसको यूज़ नहीं करते हो घर के कामों में, किचन में अपने। तो एक गिलास पानी ले लेना है और उस बर्तन में डालना है जो आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला जो है एक गिलास पानी में बनेगा। और अगर आप इसकी क्वांटिटी डबल करना चाहते हो, तो जैसे कि आप पानी भी डबल करोगे और आगे जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो भी आप इसको डबल करना, ठीक है। तो इस तरीके का आपको परफेक्ट फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच के करीब हार्पिक। तो ये मैं 2 चम्मच के करीब कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है छोटा वाला कांटे वाला चम्मच है, क्योंकि उसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली डाल के बता रही हूँ आपको। और मैं इस चम्मच से मिक्स करूँगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगी, तो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सी नमक, नमक भी 1 चम्मच के करीब ही है, 1 टेबल स्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 1 गिलास पानी ली हूँ ना, तो बस वो हिसाब से मैं ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें मैं मिक्स नहीं करूँगी, थोड़ा से मैं डालूँगी सरफ डालूँगी। कोई भी वॉशिंग पाउडर आपको ज़रूर डालना है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास एरियल ही हो, कोई भी आप कंपनी का जो है डाल सकते हो। तो 1 डेढ़ चम्मच के करीब मैं इसको भी ऐड करूँगी। सारी चीज़ें तो मैं देखिए ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बनाती हूँ और मुझे आदत है, तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली बना रही हूँ और ऐसे ही आपको दिखा भी रही हूँ। आप लेकिन मेजरिंग का ध्यान दे लोगे तो बहुत अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला रेडी होगा बन के, ठीक है। तो देखिए, मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसको भी ऐड कर दिया है। अब मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, ये डेटॉल, जो कि हर घर में पाया जाता है। डेटॉल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से हमारा जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, बस अब कुछ ऐड नहीं करना है, इसको यूज़ करना है। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले अच्छे से मिक्स कर लूँ। तो हमारा जो ब्लैक पॉट है उसमें ब्लू कलर का मैंने हार्पिक ऐड किया था, तो दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे मैंने वाइट चीज़ें ऐड करी है उसके बाद ये अच्छे से दिखाई दे रहे हैं ना। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से आपका फॉर्मूला जो है सरफ नमक जो भी कुछ ऐड किया हमने, ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए। नमक वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। फिर किसी भी बॉटल में, आप स्प्रे बॉटल में, चाहे जो भी आपके पास बॉटल वगैरह है उसमें आपको ऐड कर लेना है, रख लेना है, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं अच्छे से बॉटल में डाल दूंगी और इसको अच्छे से यूज़ करूंगी। इसको यूज़ करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे भी आप चाहो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप रोज़ पोछा वगैरह लगा सकते हो, किचन में सोने से पहले स्प्रे कर सकते हो, बेसन में, सिंक में, जहाँ जहाँ आप स्प्रे करना चाहो कर सकते हो। आप जो है बेड वगैरह पे स्प्रे करके धूप में रख सकते हो। तो बहुत सारा इसका यूजेस है, बहुत अलग अलग चीज़ों पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली पोछा भी लगा सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो, किचन में डायरेक्टली सोने से पहले स्प्रे कर सकते हो, कॉकरोच वगैरह भी नहीं आएंगे, छिपकली वगैरह भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से के यूज़ से आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है मिलेगा, और आप इसका यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ों से छुटकारा भी पा सकते हो। तो ये थी बहुत ही सिंपल सी आसान सी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। किस तरीके से आप यूज़ करेंगे वो भी बताना, मैं आपको क्लीन करके भी बता दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा क्लीन किया था मैंने काउंटर, फिर भी ये क्लीनर से कितना अच्छा ये जो है
देखो साफ हो रहा है हमारा काउंटर, तो मैं इसको टाइल्स वगैरह के लिए भी क्लीन करने के लिए यूज़ करूँगी। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया होगा। किन किन लोगों को पसंद आया होगा ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। आगे भी मेरे चैनल पे आने वाली इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक और शेयर करना। और जो लोग ये फॉर्मूला बना के तैयार करेंगे वो लोग मुझे कमेंट्स में आके ब्लू हार्ट ज़रूर देना। जो लोग नहीं करेंगे वो कोई भी हार्ट मत देना, लेकिन जो लोग करेंगे यूज़ इस तरीके के बनाएंगे वो लोग ब्लू हार्ट ज़रूर देना।